हाँ जी, शुरू करें नया टॉपिक सीआरओ। बता दूं मैं, सीआरओ मेजरमेंट का ही क्या है? भाग है। क्या? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मेजरमेंट का ही क्या है? भाग है। तो सीआरओ, सबसे पहले तो सीआरओ का पूरा नाम क्या है? सीआरओ का पूरा नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ओके। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं कैथोड किरण। दोलनदर्श, कैथोड किरण दोलनदर्श। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि दोलनदर्शी होता क्या? देखो, दोलन का मतलब ऑसिलेशन, दोलन मतलब माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन, और दर्शी का मतलब होता है दिखाने वाला। माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन दिखाने वाली मशीन को ही क्या कहते हैं? दोलनदर्शी। तो दोलनदर्शी की बात करें तो दोलनदर्शी, इसी एक शब्द का मतलब बता रहा हूं, इसका मतलब होता है माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन को पर्दे पर दिखाने वाला जो कंपन है उनको पर्दे पर दिखाने वाली मशीन का ही नाम क्या होता है? दोलनदर्शी, दोलन को दिखाने वाला। और कैथोड रे, इसका मतलब कैथोड किरणों का प्रयोग करने, कैथोड किरणों का प्रयोग करने वाला। तो कैथोड किरणों का प्रयोग करके माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन को पर्दे पर दिखाने वाली युक्ति का नाम क्या है? दोलनदर्शी। कैथोड रे दोलनदर्शी, यानी कि सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। पॉइंट क्लियर है? तो सीआरओ क्या करेगा? दोलन को पर्दे पर दिखाएगा, और किनकी सहायता से दिखाएगा? कैथोड किरणों की सहायता से पर्दे पर दिखाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दोलन का नहीं पता, कुछ को थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा दोलन क्या होता है, दोलित्र क्या होता है, दोलनदर्शी क्या होता है। शॉर्ट में तीनों नामों का मतलब देखिएगा। ये हो गया सभी का। तीन शब्द है, एक तो है ओसिलेशन, दूसरा है ओसिलेटर, और तीसरा है ऑसिलोस्कोप। हिंदी में कहें तो दोलन, दोलित्र, दोलनदर्शी, दोलन, दोलित्र और दोलनदर्शी। ये तीन शब्द है, तीनों का मतलब देखिएगा। दोलन का मतलब होता है माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की गति। यहां दोलन का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति। इलेक्ट्रॉन की माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति को ही क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर एक तरंग बता रहा हूं। ये तरंग है और ये इलेक्ट्रॉन की गति को प्रदर्शित कर रही है। ये माध्य स्थिति बीच की स्थिति के ऊपर नीचे गति है, तो यही क्या है? दोलन है। क्या है ये?
प्रत्येक प्रकार की जो एसी है, तरंग है, वो एक प्रकार के किसको प्रदर्शित करती है? दोलन को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉन की माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति, ओके, इसको उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? दोलित्र। तो दोलित्र क्या है? दोलन उत्पन्न करने वाली मति युक्ति, दोलन उत्पन्न करने वाली युक्ति, दोलन उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? दोलित्र कहते हैं। और दोलन दर्शी क्या है? दोलन को पर्दे पर दिखाने वाली युक्ति, दोलन को पर्दे पर दिखाने वाले युक्ति, दोलन को पर्दे पर दिखाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? दोलन दर्शी कहते हैं। तो तीनों शब्द क्लियर हो गए। हमारा टॉपिक क्या है? ऑसिलोस्कोप दोलन दर्शी है। ये दो टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन अभी सिलेबस के जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे उनमें ये पढ़ेंगे, दोलन के बारे में और दोलित्र के बारे में। दोनों हमारे सिलेबस में डिटेल से है, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज हम किसके बारे में बात करेंगे? दोलन दर्शी के बारे में। और दोलन दर्शी में भी कौन सी दोलन दर्शी? कैथोड रे, कैथोड किरणों की सहायता से पर्दे पर दिखाने वाली को क्या बोलेंगे? कैथोड रे दोलनदर्शी बोलेंगे, ओके? अब देखो दोलनदर्शी, चले आइए, मैं यहां पर इस यंत्र का डायग्राम दिखा देता हूं। सबने काम में भी लिया होगा, अरे लैब में काम में लिया होगा, कभी तो आईटीआई लैब में गए होंगे तो वहां जरूर काम में लिया होगा। क्या हो गया? अपने पास भी पढ़ाई। एक मिनट, ये है कैथोड रे दोलनदर्शी, ये इसका फ्रंट पैनल है। क्या है ये? सामने से ऐसा दिखता है, ठीक है, और पीछे बॉक्स सा है ये। अभी पीछे आपने डायग्राम में देखा होगा। इस दोलनदर्शी के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? कैथोड रे दोलनदर्शी के मुख्य भाग, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता वह है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। सबसे पहला जो भाग होता है वो कौन सा होता है? सीआरटी होता है दोलनदर्शी में। दूसरा भाग, हाँ जी, एक तो इसमें होता है सीआरटी, दूसरा होता है स्ट्रिप ऑसिलेटर। कौन सा ऑसिलेटर है? स्ट्रिप ऑसिलेटर, सबके बारे में डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा तीसरा होता है इसमें हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। चौथा होता है इसमें वर्टिकल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर। पांचवा होता है इसमें पावर सप्लाई, तो लिखने की लिखनी पड़ेगी आपको, स्वीप ऑसिलेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर। पावर सप्लाई एवं अन्य नॉब,
ये पांच चीजें मैंने जो मेन मेन भाग है सीआरओ के वो आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला आपके पास सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, दूसरा स्विप ऑसिलेटर, तीसरा आपके पास हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, चौथा आपके पास वर्टिकल एम्पलीफायर और पांचवा आपके पास क्या पावर सप्लाई और अन्य नॉब, ये आपके पास किसमें होंगे सीआरओ में। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो केवल एक ही पॉइंट पर आधारित होगी, वो कौन सा, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। अब ये आपको यहां वाला भाग दिख रहा है क्या, ये वाला स्क्रीन दिख रहा, इस स्क्रीन के अंदर चलते हैं ना तो जो भाग आता है वो कौन सा होता है, सीआरटी। मैं आपको सीआरटी का डायग्राम आपको दिखा दूं, ये वाला, ये है सीआरटी, दिख रहा है क्या। अभी आपने सामने से चौकोर स्क्रीन देखी थी, अरे सामने से चौकोर स्क्रीन देखी ना, उस स्क्रीन के अंदर चलो प्रॉपर देखना भाई डायग्राम शायद क्लियर है या नहीं है। लाइव वाले बच्चे हैं डायग्राम क्लियर है क्या भाई, बता दीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो मैं ब्राइटनेस कम कर दूंगा भाई, जल्दी बोलिए। लाइव वाले बच्चों को डायग्राम नजर आ रहा है क्या, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो रही है। लाइव वाले सो रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे, चलो कोई बात नहीं है, अगर नजर आ रहा है तो अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। 3D डायग्राम में केवल आपको इतना देखना है कि ये जो सामने आपने जो स्क्रीन देखी थी, ये वाली स्क्रीन देखी थी यहां वाली, गौर से देखना, ये वाली नजर आ रही है, ये इसके अंदर चल रहे हैं हम लोग। और इसके अंदर कैसे चल रहे हैं, यहां से देखिएगा, ये सामने वाली स्क्रीन है, इसके अंदर चल रहे हैं तो अंदर इतना बड़ा भाग होता है पीछे तक का, ये पूरी की पूरी क्या है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ये है सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। क्लियर नहीं है, चलो इतनी देर बाद में बता रहे हैं ना, एक मिनट इनकी ब्राइटनेस में कम कर देता हूं ताकि अभी शायद कुछ नजर आने लगी होगी सीआरटी, देखिएगा भाई। सीआरटी दिखी नहीं, दिखी लेकिन मैं काला हो गया। देखो यस, सीआरटी नजर आ रही है, ये सामने का इसका भाग होगा, वैसे अभी 2D में समझा दूंगा, वहां डायग्राम अच्छा दिख जाएगा, ये सामने का भाग है। इसके बाद यहां देखिए, यह स्टार्टिंग वाला जो भाग है ये है इलेक्ट्रॉन गन, नजर आ रहा है यहां तक का भाग, इलेक्ट्रॉन गन, गन का मतलब क्या होती है बंदूक। इस डायग्राम को देखने से पहले आप एक बार 2D में समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है, हल्का डायग्राम रह गया ये। ये आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, ये समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सॉरी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का पहला भाग है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। देखो जो कैथोड रे ट्यूब है, नाम से समझ में आ रहा है कि एक ट्यूब होगी, कैथोड रे ट्यूब है, नाम से क्लियर हो रहा है एक ट्यूब होगी, और इस ट्यूब में क्या क्या होगा वो देखिएगा। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का भाग, ये है इलेक्ट्रॉन गन, क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, गन का मतलब होता है बंदूक, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुंज से लेते हैं यहां पर, और इलेक्ट्रॉन पुंज को ही क्या कहते हैं, कैथोड रे, जो मैंने पीछे लिखा है ना आपके पास यहां पर कैथोड रे,
ये कैथोड रे होती क्या है, ये होती है इलेक्ट्रॉन पुंज, इलेक्ट्रॉन बीम कह दो या इलेक्ट्रॉन पुंज कह दो, यही क्या होती है कैथोड रे। तो यहां पर आपको ये डायग्राम जो नजर आ रहा है उसमें स्टार्टिंग वाला पार्ट है आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या चीजें हैं? इलेक्ट्रॉन गन में आपके पास ध्यान से देखिएगा भाई, इलेक्ट्रॉन गन में एक तो क्या है कैथोड, कैथोड के पास में लगा हुआ है हीटर। लाइव वाले बच्चों को सारी चीजें क्लियर दिख रही है नहीं दिख रही भाई? नहीं दिख रही बोल देना, ब्राइटनेस और कम कर लेंगे हम लोग। ये नजर आ रहा होगा यहां पर है हीटर, यहां पर हीटर नजर आ रहा है, ये कैथोड नजर आ रहा है। हीटर क्या काम करता है भाई? गर्म करने का काम करता है। हीटर क्या काम करता है? गर्म करने का। और हीटर किसके साथ में लगा हुआ है? कैथोड के साथ में। तो गर्म किसको करेगा? कैथोड को गर्म करेगा हीटर। और जब कैथोड को गर्म करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करना शुरू कर देगा? उत्सर्जन करना शुरू कर देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना शुरू करेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और ये किरणें आ रही है इलेक्ट्रॉन की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कम निकल रहे हैं या ज्यादा निकल रहे हैं इनका निर्धारण करती है ये आपको नजर आ रही होगी, एक वाला भाग दिख रहा है क्या ये? इसको कहते हैं कंट्रोल ग्रिड। क्या कहते हैं? कंट्रोल ग्रिड कहते हैं। कंट्रोल ग्रिड क्या कहती है? जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करती है? कम ज्यादा करती है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजना है या कम भेजना है, इसका काम कौन करती है? कंट्रोल ग्रिड करती है। पॉइंट क्लियर हो गया? सबसे पहला भाग हीटर, हीटर के आगे कैथोड। हीटर क्या करेगा? गर्म करेगा। किसको गर्म करेगा? कैथोड को। कैथोड से कौन सी किरणें बाहर निकलेगी? कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पुंज। क्या होती है? और वो इलेक्ट्रॉन पुंज किससे निकलेगा? कंट्रोल ग्रिड से। कंट्रोल ग्रिड क्या करेगी? जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करेगी? कम ज्यादा करने करेगी, नियंत्रित करने का काम करेगी कंट्रोल ग्रिड। और कंट्रोल ग्रिड के आगे दो तीन ऐसी प्लेटें नजर आ रही होगी, तीन है, एक नहीं, एक दो तीन। अरे नजर आ रही है क्या? ये तीन नजर आ रही है, ये तीनों है एनोड। क्या है? इनमें पहला और तीसरा, इनका नाम तो है एक्सेलरेटिंग एनोड। कौन सा? पहले का नाम रख दिया प्री एक्सेलरेटिंग और बाद वाले का नाम हो गया एक्सेलरेटिंग। दोनों एक्सेलरेटिंग एनोड है। एक्सेलरेटिंग का मतलब है वे को बढ़ाने और घटाने वाले। इलेक्ट्रॉन बीम आई उसको स्पीड पकड़ाने वाले कौन से होते हैं? एक्सेलरेटिंग एनोड। उसके बाद बीच में दिख रहा होगा बीच वाला, ये है फोकसिंग एनोड। क्या है? फोकसिंग एनोड। अरे फोकस क्या होता है? टोर्च देखी होगी आपने फोकस वाली, उसका एक जगह गिरता है। तो फोकसिंग एनोड क्या करता है? बारीकी का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? तो इलेक्ट्रॉन बीम की बारीकी का निर्धारण कौन करता है? और ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा भाग किसके अंडर में आता है? इलेक्ट्रॉन गन के अंडर में आता है। तो सबसे मुख्य भागों में सबसे पहला कौन सा आएगा? सीआरटी के मुख्य भाग, मुख्य भागों में किसके मुख्य भाग? सीआरटी के पहला आता है कौन सा? इलेक्ट्रॉन गन। पहला मुख्य भाग आ गया इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन के आगे चलो, देखो ये प्लेटें दिख रही है ऐसी, ये प्लेट दिख रही है एक तो, और एक ये प्लेट दिख रही है। प्लेटें दिख रही है नहीं दिख रही है? ये कौन सी है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन। और वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। तो दूसरा भाग आता है डिफ्लेक्शन प्लेट। कौन सी प्लेट है? डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर नीचे और बाएं दाएं खिसकाने का काम करने वाली प्लेट है डिफ्लेक्शन प्लेट। इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर नीचे और बाएं दाएं खिसकाने का काम करने वाली प्लेटों को क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन प्लेट कहते हैं। अब देखो सबसे पहली कौन सी है? वर्टिकल। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगी? ऊपर नीचे। अब देखो ऊपर नीचे किसका रख किसका रहा हूं मैं अपने हाथों से, तो मेरे हाथ कैसे हैं? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल है ना। तो ध्यान रखना ऊर्ध्वाधर जो प्लेटें होती है ऊपर नीचे किसकाती है, और ये प्लेटें खुद कैसी लगी होती है? क्षैतिज लगी हुई होती है। ऊर्ध्वाधर प्लेटें खुद कैसी लगी होती है? क्षैतिज।
उसके बाद आगे देखो 37 ब्लेडें देखो ऐसे होती है, ऐसे ये दाएं बाएं खिसकाती है, क्या करती है दाएं बाएं खिसकाती है 37 विक्षेपक प्लेट, और ये खुद कैसी होती है ऊर्ध्वाधर। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आता है प्रतिदीप्ति पर्दा, कौन सा प्रतिदीप्ति पर्दा, तीसरा पॉइंट आता है प्रतिदीप्ति पर्दा, तीसरा आता है प्रतिदीप्ति पर्दा। चौथा आता है आपके पास एक्वेडेक कोटिंग, एक्वेडेक कोटिंग। देखो प्रतिदीप्ति पर्दा क्या होता है, पहले पर्दे के बारे में देखिए, प्रतिदीप्ति पर्दा ये इलेक्ट्रॉन बीम आके पर्दे पर टकराएगी और जहां टकराएगी वहां से पर्दा चमकने लग जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बीम की जो गतिज ऊर्जा है ना वो पर्दे पर किसमें बदल जाएगी, चमक में बदल जाएगी। और इस पर्दे पर किसका लेपन किया जाता है, फॉस्फोरस का, इस पर क्या होता है लेपन किया हुआ होता है जो चमकता है। साथ में ऊपर दिख रही होगी एक्वेडेक कोटिंग, अरे कोई इलेक्ट्रॉन बीम आई यहां से टकराई, फिर यहां आई, फिर वापस टकराई, तो पर्दे से कितनी बार टकराएगी, दो बार या तीन बार। तो इसलिए जब टकरा कर वापस आ जाए ना, वापस आते ही उसको क्या करें, रोक ले भाई, जाने नहीं देंगे आप, दोबारा नहीं जाने देंगे, वापस आ गया एक ही बार। आपने देखा होगा आर्मी भर्ती में क्या होता है, आर्मी भर्ती में क्या कोई दोबारा दौड़ सकता है क्या मैदान में, कितना ध्यान रखते हैं वो कि भाई साहब गलती से भी दोबारा वो मैदान में एंटर नहीं हो सकता। वो है कोटिंग, कौन सी कोटिंग, एक्वेडेक कोटिंग, मतलब एक बार चला गया फिर वापस आ गया तो आई गया, वापस नहीं जाने देंगे। और इसके अलावा यहां दिख रही होगी पिंस, दिख रही है क्या, अरे पिन दिख रही है, तो पांचवा भाग होता है पिन, बेस पिन, पांचवा भाग होता है बेस पिन। पॉइंट क्लियर है, तो सीआरटी के कितने भाग, पांच भाग, सबसे पहला भाग, सबसे पहला भाग इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन में सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन गन में सबसे पहले क्या है हीटर, हीटर के बाद कैथोड, कैथोड के बाद कौन सी कंट्रोल ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड के बाद, कंट्रोल ग्रिड के बाद प्री एसिलेटिंग एनोड, प्री एसिलेटिंग एनोड के बाद फॉक्सिंग एनोड, फॉक्सिंग एनोड के बाद एसिलेटिंग एनोड। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, इलेक्ट्रॉन गन में। इलेक्ट्रॉन गन के बाद में दो चीजें आती है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, और उसके बाद प्रतिदीप्ति पर्दा, और लास्ट में एक्वेडेक कोटिंग और बेस पिन। अब इन सबको 3D में देखेंगे, मैं पहले 3D बता रहा था लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी देखने में अपने को, अब इस डायग्राम को बढ़ा करके कंप्लीट स्क्रीन पर 3D में देख लेते हैं, अब कुछ दिखेगा, ये दिख जाएगा। अब 3D में एक बार समझ लीजिए, देखिएगा भाई, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, ये लगा हुआ है अंदर हीटर, अरे दिख रहा है क्या, काले रंग का दिख रहा होगा, इस प्रकार से बना हुआ है हीटर, दिख गया ना ये हीटर, ये हीटर क्या काम करेगा, गरम करेगा, किसको गरम करेगा, ये देखो वापस से गौर से देखो, यहां है कैथोड, 3D में नजर आ रहा होगा कैथोड, ये गुलाबी रंग का, ये है कैथोड, इस कैथोड को क्या करेगा, गर्म करेगा, गर्म करने से क्या निकलेगी, इसे इसे इलेक्ट्रॉन की बीम निकलेगी, बीम दिख रही है क्या यहां पर, थोड़ा सा गौर से देखिएगा भाई, सब कुछ दिखेगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन की बीम दिख रही है, बीम दिख रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है, सबसे पहले यहां एक भाग दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, ये देखो इधर वाला गौर से देखना, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये है कंट्रोल ग्रिड, अरे कंट्रोल ग्रिड तो ये पहले आ गई, कंट्रोल ग्रिड पहले ही आ गई भाई, ये है यहां पर कंट्रोल ग्रिड है, ये कंट्रोल ग्रिड क्या करती है, जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर लेती है, नियंत्रित, और उसके बाद में ये आती है एक्सेलरेटिंग एनोड, कौन सी एनोड,
ऑसिलेटिंग एनोड, इसमें एक ही दिखाई है, दो होती है, एक तो बीच में फॉक्सिंग के आगे भी होती है, तो ये क्या करती है स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। ये आ गई फॉक्सिंग एनोड। देखो यहां से जब आती है तो बीम की मोटाई बढ़ गई ना, अरे मोटी हुई नहीं थी, तो इसको पतला करने का काम कौन करेगा, फॉक्सिंग एनोड। यहाँ देखो बीम पतली हुई नहीं हुई, देखो यहां से ऐसे बीम आई और इस बीम को हमने पतला कर दिया, किसकी सहायता से, कितना पतला करना है ये फॉक्सिंग एनोड निर्धारित करेगा। निर्धारित करने के बाद बीम आई, देखो यहां पर ये देखो ये प्लेट है, पर सबसे पहले कौन सी हॉरिजेंटल, ये ऐसे लगी हुई दिख रही है क्या, ऐसे लगी हुई दिख रही है ना, हॉरिजेंटल है, ये दाएं बाएं किसकाने का काम करती है, लेकिन खुद कैसे लगी हुई है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लगी हुई है। इससे भी चलो किडनी निकल गई, यहां आ गई, दो प्लेटें और दिख रही होगी ये वाली, अरे दिख रही है ना, ये ऐसे ऊपर नीचे है, इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर नीचे किसकाने का काम करती है, खुद कैसी लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, खुद लगी हुई है क्षैतिज, और ये इलेक्ट्रॉन बीम जाके कहां टकराती है, पर्दे पर, और पर्दे पर यहां पर किसकी कोटिंग की हुई होती है, फास्फोरस, पर्दे पर टकराएगी तो अपनी गतिज ऊर्जा उसको दे देगी, जिससे वहां पर क्या हो जाएगी, चमक हो जाएगी। अब क्या होता है, ये पर्दे से इलेक्ट्रॉन बीम का एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहां टकराया, और टकरा कर वो वापस यहां आके दोबारा पर्दे पर टकराएगा, यानी टकराना तो एक ही जगह चाहिए था, दो जगह टकरा रहा है, इसलिए यहां पर कर देते हैं एक्वेडेग कोटिंग, एक्वेडेग कोटिंग, और एक्वेडेग कोटिंग करने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बीम वापस तो आएगी लेकिन इधर वापस नहीं आएगी, वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। और यहां पर पावर सप्लाई देने के लिए आपको क्या दिख रही है, पिन दिख रही है, अरे पिन दिख रही है नहीं दिख रही है, ये पावर सप्लाई देने के लिए क्या है, पिन है। तो मेरे हिसाब से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अब मैं इसको लिखा दूं। हाँ जी, अरे सबके सारे क्लियर हो गए ना, अब इसको लिख लेते हैं ना, ये डायग्राम मैंने एक और रखा है साइड में रख लेते हैं इसको, ये सीआरटी है ना, सीआरटी का सबसे पहला भाग है, मुख्य भागों में सबसे पहला भाग कौन सा है, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, कैथोड पुंज तैयार करता है, क्या करता है, कैथोड पुंज। इलेक्ट्रॉन गन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला तो होता है इसमें कौन सा, हीटर। हीटर क्या काम करता है, हीटर क्या काम करता है, कैथोड को गर्म करता है, कैथोड को गर्म करता है, हीटर कैथोड को गर्म करता है। दूसरा जो भाग आता है वो है कैथोड खुद, कैथोड क्या करता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन गर्म होकर, पूरा लिख देते हैं, गर्म होकर इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करता है, गर्म होकर क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने का काम कौन करता है, कैथोड। कैथोड के बाद में पॉइंट आता है, कैथोड के बाद में कौन आएगा, कंट्रोल ग्रिड, कौन सी ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड क्या करती है, ये दिख रही होगी, ये कैथोड और ये क्या है, कंट्रोल है ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड के ऊपर कौन सा वोल्टेज लगाते हैं, ऋणात्मक, कौन सा लगाते हैं, देखो ये कंट्रोल ग्रिड है, इसके ऊपर देखो माइनस का भी लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, ऋणात्मक। तो ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल ग्रिड क्या करती है,
इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन पुंज में, इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित, इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करती है। इलेक्ट्रॉन पुंज में इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित कौन करती है? कंट्रोल ग्रिड। इस पर ऋणात्मक विभव लगाया जाता है, इस पर ऋणात्मक विभव लगाया। कंट्रोल ग्रिड पर कौन सा वोल्टेज लगाते हैं? ऋणात्मक वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तीन प्लेटें दिख रही होगी, प्री एक्सेलरेटिंग, फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड। तीनों एनोड है, तीनों पे कौन सा लगेगा? धनात्मक। ध्यान रखना, फोकसिंग पे लगता है 400 वोल्ट और ऑसिलेटिंग में लगता है 2 किलो वोल्ट से लेकर 10 किलो वोल्ट। तो चौथा पॉइंट हो गया ना। चौथा आपके पास कौन सा आएगा? प्री एक्सेलरेटिंग, प्री एक्सेलरेटिंग एवं एक्सेलरेटिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड, प्री एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड, इसमें क्या है? हाँ जी, इसके बारे में ये कह सकते हैं, ये प्लेटें, ये इलेक्ट्रॉन बीम की गति को बढ़ाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बीम की गति को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम की गति को बढ़ाने वाले कौन से होते हैं? एक्सेलरेटिंग एनोड में, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। और इन पे कितना वोल्टेज लगता है भाई? इन पर धनात्मक, इन पर धनात्मक 2 किलो वोल्ट से 10 किलो वोल्ट तक विभव लगता है। 2 किलो वोल्ट से 10 किलो वोल्ट तक का विभव लगता है, धनात्मक वोल्टेज लगाया जाता है इनके ऊपर। कैसा वोल्टेज लगाते हैं? धनात्मक। उसके बाद अगला आता है फॉक्सिंग एनोड। कौन सा एनोड? फॉक्सिंग एनोड। फॉक्सिंग एनोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बीम की बारीकी का निर्धारण करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बीम की बारीकी का निर्धारण करता है। इलेक्ट्रॉन बीम की बारीकी का निर्धारण कौन करता है? फॉक्सिंग एनोड करता है। और इस पर कितना वोल्टेज लगाते हैं सामान्यतः? इस पर सामान्यतः, इस पर सामान्यतः +400, प्लस लगाते, ध्यान रखना, +400 वोल्ट लगाया जाता है। तो ये सारे के सारे किसके पार्ट है? इलेक्ट्रॉन गन के पार्ट है। किसके पार्ट है? दूसरा आता है विक्षेपक प्लेट। एक नंबर तो कौन से आ गई? इलेक्ट्रॉन गन ए, और बी आती है क्या? विक्षेपक प्लेट। कितने प्रकार की विक्षेपक प्लेट होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलिए आगे, इसके बाद आती है विक्षेप, क्या हो? वापस चलेंगे आगे। इसके बाद पॉइंट आता है विक्षेपक प्लेट। बी पॉइंट आता है
विक्षेपक प्लेट। जो विक्षेपक प्लेट की बात करें तो ये कितनी पर कितनी होगी? दो। एक तो सबसे पहले कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल विक्षेपक प्लेट, जिसको कहते हैं क्षैतिज। क्षैतिज क्षैतिज विक्षेपक, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट या क्षैतिज विक्षेपक प्लेट। और क्षैतिज विक्षेपक प्लेट की दो खास बात है, इलेक्ट्रॉन बीम को दाएं बाएं खिसकाती है। पहला पॉइंट तो क्या, इलेक्ट्रॉन बीम को दाएं बाएं खिसकाती है। इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करती है? दाएं बाएं खिसकाती है। और दूसरा पॉइंट है, ये स्वयं ऊर्ध्वाधर स्थापित होती है। इलेक्ट्रॉन बीम को दाएं बाएं खिसकाती है और खुद कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर। और दूसरी जो प्लेटें आती है वो कौन सी है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट हिंदी में लिखे तो ऊर्ध्वाधर विक्षेपक प्लेटें। विक्षेपक प्लेट देखो, ऊर्ध्वाधर विक्षेपक प्लेट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करती है? ऊपर नीचे खिसकाती है। क्या करती है? ये इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर नीचे खिसकाती है। ऊपर नीचे खिसकाती है, इलेक्ट्रॉन बीम को क्या कहती है? ऊपर नीचे खिसकाती है। और इसके साथ साथ ये स्वयं कैसी होती है? ये स्वयं क्षैतिज स्थापित होती है। ये स्वयं कैसी होती है? क्षैतिज स्थापित होती है। और मेरा यहां जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि टीवी में कौन सी डिफ्लेक्शन प्रणाली काम में लेते हैं और सीआरओ में कौन सी लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीवी में कौन सी डिफ्लेक्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सी करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टीवी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करते हैं, सही बात है, टीवी में करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन प्रणाली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन प्रणाली का प्रयोग करते हैं टीवी में। सीआरओ में कौन सी करते हैं? सीआरओ में, छोटे सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक, छोटे सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक। और बड़े में, बड़े सीआरओ में कौन सी करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करते हैं। छोटे सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लेते हैं और बड़े सीआरओ में कौन सी कर लेते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रणाली हो गई? विक्षेपक। और तीसरा पॉइंट आता है प्रतिदीप्ति पर्दा। चलेंगे आगे, लिखना पड़ रहा है ना, मैं आपके साथ सारी चीजें क्लास में नोट करता हूं। और ये जो लिखने का मैंने नोटिस किया, बहुत सारे टीचर्स बोर्ड पे बहुत कम लिख पाते हैं। मैंने लिखने की आदत इसलिए डाल रखी है ताकि बच्चों का ध्यान दो बार बोर्ड पे दे, एक बार समझते समय और दूसरा बोर्ड से लिखते समय, और उसका बड़ा बेनिफिट निकल के आता है, वो चीजें याद हो जाती है। अगर आपको कुछ याद नहीं हो ना, तो उसका सबसे आसान तरीका उसको लिख कर याद करो,
आपके दिमाग में याद होगी नहीं होगी, लेकिन आपका हाथ सीख जाएगा। मैंने आपको हमेशा ही बताया इस चीज के बारे में कि हमारा दिमाग के याद करने के अलावा साथ साथ हमारा शरीर भी याद करता है। कई बार हम लोग विचारों में खो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, लेकिन गाड़ी सीधा घर के सामने आके रुकती है। ऐसा नहीं होता कि गाड़ी चलाते विचारों में खो गए तो कोई दूसरे गांव पहुंच गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर ने पूरा एड्रेस याद कर रखा है, वो गलती नहीं करेगा। कई बार आदमी की मेमोरी लॉस हो जाती है, एक्सीडेंट में सर पे चोट लग जाती है, मेमोरी लॉस। वो मेमोरी लॉस में घरवालों को पहचानना भूल जाता है, लेकिन वो बाइक चलाना नहीं भूलता, बोलना नहीं भूलता, बोलता भी है बाइक भी चलाता है, केवल घरवालों को नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर चीजों को याद करता है। कोई कभी कभार जो आपको याद नहीं हो उसको लिख के याद किया। क्लियर हो गया? ये हो गया विक्षेपक। हाँ देखो, डीएसओ अलग है, सीआरओ अलग है, छोटी साइज का और बड़ी साइज का। एक तो बड़ी साइज का है, बड़ी स्क्रीन पर दिखाना आपको, ठीक है, टीवी की तरह। वहां पे आपके पास क्या करोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काम में लेगा। छोटी साइज का हम लोग यही काम में लेते हैं, कौन सा? यही काम में लेते हैं, ये बड़े सीआरओ में बढ़कर काम लेते हैं, जो रिसर्च के लिए काम में ले जाते हैं बड़े बड़े वहां पे। अरे रिसर्च के लिए जो सीआरओ होते हैं ना, वहां ये प्रयोग होते हैं। वैसे वर्तमान समय सीआरओ का है ही नहीं, वर्तमान सारी चीजें किसकी है? डीएसओ की। सीआरओ में आपको सारी चीजें सेट करनी पड़ती है, और डीएसओ में क्या होती है? स्वतः ही क्या हो जाती है? सेट हो जाए, ऑटोमेटिक काम करता है। तीसरा आता है प्रतिदीप्ति पर्दा। प्रतिदीप्ति पर्दा, जो प्रतिदीप्ति पर्दे की बात करें, बच्चों ध्यान दीजिएगा सभी, प्रतिदीप्ति पर्दे की बात करें तो इसके ऊपर किसकी कोटिंग की होती है? फास्फोरस की कोटिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार यही आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो किसकी कोटिंग होती है? फास्फोरस की कोटिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन बीम इससे टकराने से इसमें क्या उत्पन्न होती है? चमक उत्पन्न होती है। ये पर्दा बना हुआ किसका होता है? कोटिंग तो फास्फोरस की होती है, पर्दा किसका होता है? हाँ जी, पर्दा किसका होता है? कांच या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। किसका? कांच या प्लास्टिक का पर्दा होता है, जिसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है? फास्फोरस की कोटिंग होती है, फास्फोरस पे टकराने पर। प्लास्टिक का और कांच का कोई रोल नहीं है। अरे पर्दा किसका है? सामने की स्क्रीन किसकी होती है? कांच की या प्लास्टिक की? पारदर्शी प्लास्टिक की स्क्रीन होती है, उसके ऊपर कोटिंग की भी होती है। कोटिंग पर बीम टकराने से क्या होता है? चमक उत्पन्न होता है। अरे क्या हो गया, क्या बातें करने लग जाते? तो देखिए, इस पर फास्फोरस की कोटिंग होती है, कोटिंग होती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम टकराने से, इलेक्ट्रॉन बीम टकराने से चमक उत्पन्न होती है। फास्फोरस की कोटिंग होती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम टकराने से क्या उत्पन्न होती है? चमक उत्पन्न होती है। उसके बाद चार नंबर आता है एक्विडे कोटिंग। सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे खिसकाते हैं, समझ नहीं है यार। अरे भाई देखो, ये आपके पास कौन सी प्लेट है? हॉरिजॉन्टल। इनके ऊपर वोल्टेज लगाएंगे तो प्लेटों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? चेंज। प्लेटों की डायरेक्शन चेंज होगी तो बीम की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। पर प्लेटों की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, प्लेटों पर वोल्टेज पोटेंशियल चेंज होता है। प्लेटों पर पोटेंशियल चेंज होगा तो उससे क्या होगा? मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? अपनी तरफ आकर्षित करेगी। दाएं बाएं खिसकाने का काम कौन करेगी? हॉरिजॉन्टल प्लेट। खुद कैसे होती है? वर्टिकल। ऊपर नीचे खिसकाने का काम कौन करेगी? वर्टिकल प्लेटें। और खुद कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। खिसकाने की दो विधियां, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में वोल्टेज लगाया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कॉइल में धारा प्रवाहित करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। इतना ध्यान में रख लेना। इसके बाद आते हैं एक्विडेट कोटिंग।
एक्वाडेड कोटिंग। ये एक्वाडेड कोटिंग क्या करती है, पर्दे से टकराकर वापस आने वाले पर्दे से टकराकर वापस आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का अवशोषण करती है ताकि पुनः जाकर पर्दे पर न टकराए। इसके लिए उनका क्या करती है, अवशोषण कर लेती है। और लास्ट पॉइंट आता है ई, वह है बेस पिन में क्या होगा, सीआरटी को दी जाने वाले सिग्नल सप्लाई प्रदान करने का काम कौन करती है, बेस पिन करती है। ओके, ये अपना सीआरटी क्या हो गया। कल सीआरटी के अलावा अन्य भाग देखेंगे और सीआरओ का उपयोग कैसे करेंगे। तीन क्लास होगी सीआरओ की, तीन क्लासों में सीआरओ पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।